अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन और अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र हेयर रिमूवल। बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत पुराना इशू है, लेकिन बार बार इसलिए बात करना ज़रूरी है इस टॉपिक पे ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारी क्वेरीज जो हैं उनको उनका जवाब दिया जा सके और आपको एक्सप्लेन किया जा सके कि एग्जैक्टली लेज़र हेयर रिमूवल क्या होता है। इसको लेज़र हेयर रिमूवल से ज़्यादा बेहतर है कि लेज़र हेयर रिमूवल की बजाय लेज़र हेयर रिडक्शन कहा जाए, यानी कि जो बाल हैं, बालों का जो नंबर है उसको रिड्यूस करना थ्रू लेज़र इज कॉल्ड एज लेज़र हेयर रिमूवल। कॉमनली यूज़ किया जाता है, वैसे इसको लेज़र हेयर रिडक्शन कहना चाहिए या कहते हैं। रिडक्शन का क्या मतलब है कि लेट सपोज कि आपके फेस के ऊपर 100 बाल हैं तो ये रिड्यूस होके 10-15 बाल रह जाएंगे और प्लस उनकी जो अपेयरेंस होगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। लेट सपोज कि आपके बाल बहुत काले रंग के और बहुत मोटे थे तो अब जो आपके बाल बाकी बच जाएंगे आफ्टर द लेजर सेशंस, तो उसके बाद आपके बहुत चंद बाल और बिल्कुल पीच पस जैसे, बहुत जैसे पतला रुआ होता है उस तरह के बाल बचेंगे और वो भी नंबर में बहुत कम होते हैं। पहले जैसे बाल जो कि प्रॉब्लमैटिक हेयर होता है वैसे बाल हरगिज नहीं रहते। अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रॉब्लमैटिक हेयर कौन सा है। देखिए पीच फस तो वो होता है जो रुआ होता है, बहुत बारीक होता है, बहुत हल्के रंग का होता है और वो आपको बॉदर नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर कुछ ऐसे बाल होते हैं जो पतले तो होते हैं लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका कलर डार्क होता है, ब्लैक होता है, ऐसे लगता है जैसे जाली की तरह कोई चीज़ पूरी स्किन के ऊपर है। उसके बाद ऐसे बाल होते हैं जो कि बहुत मोटे शेव जैसे बाल होते हैं, लोगों के साइड्स पे भी होते हैं। उसके बाद जो है वो जाउल एरिया जो है, जाउल्स जो है यानी कि ये वाला एरिया जो है उसके ऊपर भी होते हैं, अपर लिप्स के ऊपर भी होते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हार्मोनल इशू की वजह से बाल ज़्यादा होना शुरू होते हैं नंबर में, और जब आप उनको कन्वेंशनल मेथड से छेड़ लेते हैं, जैसे आप टेम्परिंग कर लें थ्रू वैक्सिंग, थ्रू थ्रेडिंग, थ्रू ट्वीजिंग, तो आप देखेंगे कि उनका नंबर भी ज़्यादा हो जाता है, एरिया भी बढ़ जाता है। जैसे अगर पहले 4 बाल सिर्फ यहाँ थे तो एरिया बढ़ के यहाँ तक हो जाएगा, 4 से बाल जो हैं वो 12 हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, और उसके अलावा वो थिक भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर प्रॉब्लमैटिक हेयर है तो फिर आपने लेज़र हेयर रिडक्शन ही कराना है, आप कन्वेंशनल मेथड्स की तरफ ना जाएं। क्योंकि जब आप कन्वेंशनल मेथड्स की तरफ जाएंगे तो आपका ना सिर्फ एरिया इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ बालों का नंबर भी इंक्रीज होगा और जो पतला बाल है वो मोटा भी हो जाता है। और ये देखा गया है और ये नोन फैक्ट है, ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ खाली लेज़र को प्रमोट करने के लिए बता रहे हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो ये सब कुछ मोस्टली करके ही आ रहा होता है। हमारा ये कहना है कि आप ये सब कुछ करने से पहले हमारे पास आएं। अगर आपका बाल वर्जिन है, आपने उसको छेड़ा नहीं हुआ, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑसम होंगे, एक्सेलेंट होंगे, तो इससे अच्छी और क्या बात है। अब आ जाता है कि बाल ज़्यादा होने की तो बहुत सारी रीजंस है ना, उसके अंदर इंटरनल रीजंस जो हैं उसमें सबसे पहले हार्मोनल रीजन आता है, जिसके अंदर हार्मोन्स जो हैं उसमें चेंज आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में, और उसकी वजह से लेडीज़ या जो फीमेल हैं उनके ऊपर बालों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसके अंदर कन्वेंशनल मेथड्स और सब स्टैंडर्ड वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं, जिनके अंदर मर्करी और स्टेरॉइड होता है, उससे बाल ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं फेस पे, और उसके अलावा जब आप बालों को खींचते हैं तो उससे भी बालों का नंबर ज़्यादा होता है। तो बहुत अच्छा है कि आप लेज़र हेयर रिडक्शन की तरफ जाएं ताकि आपकी स्किन स्मूथ रहे, आपके ओपन पोर्स नहीं हो, आपको एक्नी नहीं हो, आपकी स्किन सैग ना करे, आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे ना आए और आपके बाल भी ख़त्म हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं। कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं फेस के लिए जो है वो मोस्टली 12-14 सेशंस कहे जाते हैं, 1-1 मंथ अपार्ट यानी कि 4 हफ्ते के गैप से। और अगर आप बॉडी पे कहीं से लेज़र करवा रहे होते हैं तो आप 4-6 वीक्स का यानी कि 1-1.5 महीने का गैप दे सकते हैं,
और बॉडी पे यूजुअली हम बहुत ज्यादा जो है वो सेशंस नहीं कहते, बॉडी के लिए जो है वो हम 8 to 12 सेशंस जो है वो बताते हैं। इसे कौन कौन करवा सकता है? इसे कोई भी करवा सकता है, मेल, फीमेल, यंगस्टर्स, एजड, मेजोर एजड लोग जो हैं वो भी करवा सकते हैं। सिर्फ वो लोग नहीं करवा सकते जिनके बाल जो हैं वो ऑलरेडी वाइट हो चुके हुए हैं, बिकॉज वाइट हेयर पे लेजर जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। डिफरेंट तरह की लेजर मशीन जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनके बहुत थिक हेयर हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं, जिनके जो हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है लेकिन डेंसिटी यानी कि नंबर ज़्यादा है और कलर ब्लैक है वो भी अवेलेबल हैं, जिनके बाल जो हैं वो थोड़े पतले हैं और उनके अंदर कलर भी थोड़ा कम है उनके लिए भी डिफरेंट लेजर्स अवेलेबल हैं। आजकल इसका कोई इशू नहीं है कि इस किस्म का बाल है जो कि अनवांटेड है और आपको बॉदर करता है और उसको ख़त्म कैसे करेंगे। डिफरेंट लेजर्स आर अवेलेबल जो कि बहुत अच्छे तरीके से और इफेक्टिवली जो है वो आपके अनवांटेड हेयर को रिड्यूस कर देती है फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो इसके अंदर क्लियर हो गई होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे गिवन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।